फ्रेंड्स कैंपस टीवी एक बार फिर थोड़े सारे का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एक इतिहासिक दिन सी क्योंकि पोसू ते सोपू पार्टी के मूरले आगुआ ने अज NSUI पार्टी ज्वाइन कर ली। मूरले आगू इस करके क्योंकि ये सारे बंदे ही अपनी अपनी पार्टीज का फेस होंगे। आओ थानू छड़ जांदे आ उन्हां दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाल। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रधान मनिंदर ढिल्लों जी, NSUI के पुराने स्टेट प्रेजिडेंट रणदीप खैरा जी, मनीष बंसल जी, रोहित चौधरी जी साडे ऑल इंडिया NSUI के प्रेजिडेंट, सरपंच साहब साडे बहुत वड्डे ते रिस्पेक्टेड ब्रदर, ते अजय चकारा जी DU के प्रेजिडेंट ते इंचार्ज NSUI चंडीगढ़। अपना सब तो पहले भुपिंदर सिंह जी बाट जो कि साडे विच सीनियर लीडर जी ते अपने विच आए। उस तो बाद मनोज लवाणा जी जिन्हां नूं भी तुसीं सब जानते हो पिछले इलेक्शन विच इन्होंने जिस तरीके नाल प्रेजेंट कीता। उस तो बाद बहुत ही साडा हुंगारा भरांदे हुए जीवनजोत सिंह जी चहल जिन्हां ने पिछले साल एक बिल्कुल ही डेड पार्टी विच जान पा के इन्हां नूं बहुत उचाइयां तक लैके गए ते पिछली बार बहुत जबरदस्त फाइट दित्ती। उहदे नाल ही संजीव शर्मा जी जो कि वर्किंग प्रेजिडेंट सके इस टाइम पुसू के, इन्होंने भी सानू ज्वाइन किया। उस तो बाद KP डोल्ट जी जो कि अपना KP डोल्ट जी ये अहम चुनाव जो कि साढ़े तो शुरू तो साढ़े नाल रहे हैं तो जो कि सोपू का एक बड़ा वड्डा थम सीगा बिक्रम चटाणा जी उन्होंने भी And I thank them and I extend my heartiest welcome to all those who have joined our party today. And I'm sure they will just feel as if they are at home. ऐसा कुछ उनको महसूस नहीं होगा कि नए घर में आए हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी नमक में और नमक पानी में मिल जाता है, वैसे ही दिल मर्ज इनको देखा। विश्वास दिना कि जी इन्नी स्ट्रॉग NSUI की टीम बनी है, पहले ही सारी जी राइवल पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पसीने निकलने शुरू हो ही गए हैं। सारे ने कहा हो ही गया क्योंकि तू समझ भी नहीं आ रहा कि होया की है। फिर ये तो विश्वास दिता है कि जी आने वाली स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है ये NSUI एक बड़ा रोल निभाऊगी तो अपने दम से ये यूनिवर्सिटी के जित के जाऊगी। ये सा वादा है। सभी छात्रों ने जो किसी भी दल में थे एक सोच से एक विचारधारा से एक सीमित दायरे से उठकर राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास जताया और NSUI को ज्वाइन किया है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जरूर NSUI यहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए उनकी वेलफेयर के लिए बहुत कुछ अच्छा करेगी। धन्यवाद। सानू साड़ी NSUI पार्टी हरेक असं स्टूडेंट का भला करने की कोशिश करी दी आ पर शायद एक स्टूडेंट लीडर नूं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अज वह सोपू का वा वह सोपू जोगा रह जाता, पुसू का पुसू जोगा रह जाता। कल नूं एक प्लेटफॉर्म मिलता वा और वह प्लेटफॉर्म मैं असी क्यों ज्वाइन की थी? क्योंकि सानू NSUI विच अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी सानू पता यूथ नूं किस तरीके नाल प्रमोट कर रहे हैं। असी अगर अज NSUI जा रहे हैं वो इसे करके आ क्योंकि वी इंस्पायर टू बी लीडर्स इन आर नियर फ्यूचर। सो इस तरीके नूं इस मद्देनजर इस सोच के नाल असी भी आए हैं। असी कल्ला स्टूडेंट वेलफेयर के नाल नाल असी अपनी परसनल ग्रोथ भी चाहते हैं। असी चाहते हैं भी एक परसनल ग्रोथ इहदा ही मतलब मैं आप ही चाहता यूनिवर्सिटी की परसनल ग्रोथ होगी। असी NSUI इसलिए ज्वाइन कर लगे हैं क्योंकि असी स्टूडेंट के वेलफेयर लिए काम करना है। असी सोपू पुसू से भी रह के स्टूडेंट लिए काम कर रहे थे पर उसके नाल सानू अपर दिल्ली जिम्मे कोई स्टूडेंट कोई काम पै जाता है या स्टूडेंट की आवाज उठानी होती तो उसके लिए साड़ी कोई सुनवाई नहीं सी। इस करके असी NSUI ज्वाइन की कि अपर जाके असी स्टूडेंट की किस तरीके का हेल्प कर सकते हैं। साडा अज का मेन मकसद NSUI ज्वाइन करना ही है। असी सोपू पुसू में भी असी स्टूडेंट वेलफेयर लिए ही काम करना सी ते साडा इत्थे ही मकसद है। इत्थे सानू एक पोलीटिकल प्लेटफॉर्म मिलता जिस नाल असी अथॉरिटी से प्रेशराइज कर सकते हैं। सानू इहदे विच थोड़ा जिहा अपनी स्टूडेंट वेलफेयर करना सौखा हो जाता साडा होर कोई मकसद नहीं। NSUI इस करके ज्वाइन कर रहे हैं कि जमें कि सोपू पुसू जिहड़ा कि स्टूडेंट वेलफेयर लिए काम करते हैं या मेजोरिटीज नाल कोई भी गल करते तो उन्होंने असी उन्हों तक पावर नाल जोर नाल प्रेशर नहीं पैंदा है। जैसे NSUI राही उन्होंने गल करा तो साडे दबाव उन्होंने असं वधिया कर सकांगे स्टूडेंट्स के लिए। ये पता कि मतलब प्लेट
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਊਗੀ, NSUI-Press ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਜੂਗਾ। ਅਤੇ Sopu+Pusu 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ NSUI-Press 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੈਂਪਸ TV, ਯੂ ਮਿਸ ਨਥਿੰਗ।